नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में सभी घर वाले जिनके घर में पूजा पाठ होती है या हवन होता है वह सब लोग जानते हैं। इसे लोबान के नाम से जाना जाता है, गोंद कुद्रू के नाम से जाना जाता है, सलाखी के नाम से जाना जाता है। यह पूजा पाठ में अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, अगर इसका सही ढंग से सही मात्रा का आपको ज्ञान हो। तो आइए हम आपको इसकी पहले पहचान कराते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कौन सी मात्रा में आपको लेना है, कौन सी बीमारियों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये लोबान देख रहे हैं, इसी को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सलाखी के नाम से भी जाना जाता है और गोंद कुंदरू के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है और कड़वा होता है। खाने में यह कसैला लगता है। यह पचाने में आसान होता है और यह वात पित्त कफ को ठीक करने वाला होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला होता है, घाव को ठीक करने वाला होता है, मोटापा को कम करने वाला होता है, योनि के विकारों को दूर करता है, खून की गर्मी को ठीक करता है। दोस्तों, हमने आपको लोबान की पहचान कराई है, आपको बताते हैं कि कौन सी बीमारी में किस तरह आप इसे ले सकते हैं। जिनके दांत में दर्द की समस्या बनी रहती है, अक्सर मुंह में बदबू की समस्या बनी रहती है, जिनको पायरिया की शिकायत है, उनके लिए हम आपको बहुत ही अच्छा उपाय बता रहे हैं। इसके लिए आपको लोबान लेना है, लोबान की एक गोंद है, इसके साथ आपको बबल की गोंद लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर बराबर बराबर लेना है, मिलाकर दोनों को अपने मुंह में डालना है। कम से कम दो दो तीन तीन ग्राम की मात्रा में लेकर इसे चूसना है। आपके दांत में दर्द की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी, बदबू की समस्या है वह ठीक हो जाएगी, मसूड़े फूले हुए हैं तो वह भी ठीक हो जाते हैं, पायरिया की शिकायत है तो वह भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें गंडमाला का रोग है, जिनके गले में गांठें बन जाती हैं। आप इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं, आपको गोंद कुंदरू लेना है। इसको गुनगुने पानी में अच्छी तरह से घिसकर, इसे हम लोबान कहते हैं, सलाखी कहते हैं, एक बार मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, इस गोंद को गुनगुने पानी में अच्छी तरह घिसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को अपने गले पर लगाइए, लगातार कुछ दिन तक लगाने से आपके जो गले में गांठें हैं वे ठीक हो जाती हैं। जिनको सांस फूलने की शिकायत रहती है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है, आप इसके लिए 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सलाखी गोंद का चूर्ण लेना है आपको, और इसमें विषम मात्रा में आपको शहद और देसी घी मिलाकर रोज सुबह और शाम इसका सेवन करना है। जिनको सांस फूलने की जो लगातार शिकायत बनी रहती है वह जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके हाथ पैरों में लगातार दर्द की शिकायत बनी रहती है, जिनके हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द बना रहता है लगातार। आप इसके लिए सलाखी गोंद लीजिए, इसे अच्छी तरह से गुनगुने पानी में घिसकर अपने जोड़ों पर लगाइए और इसके ऊपर पट्टी बांध दीजिए। लगातार कुछ दिन तक इसका लेप लगाने से और पट्टी बांधने से आपके हाथ पैरों के जोड़ों में जो दर्द की शिकायत रहती है वह जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लोबान का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सीने में जलन की समस्या बन सकती है, गैस की समस्या बन सकती है। तो जितनी मात्रा आपको बताई गई है वही आपको लेनी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वह सलाखी का सेवन कर रही हैं तो वह अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर जानकारी लें। दोस्तों, आज हमने आपको सलाखी के बारे में जानकारी दी है, जिसे लोबान कहते हैं, गोंद कुदरू कहते हैं। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।